हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया की टॉप 7 स्पेशल फोर्स के बारे में जो कि आर्मी की ताकत बढ़ाती है। और इस 7 स्पेशल फोर्स से हमारी आर्मी इतनी मजबूत बन सकती है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी देश के सामने टिक सकती है और जीत भी सकती है। तो आगे की वीडियो आपने देखे होंगे आई होप, उसमें हमने हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में जो हेलीकॉप्टर यूज होते हैं वो और इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर प्लेन यूज होते हैं उनका वीडियो बनाया था। वो आपको सभी को अच्छा लगा था तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आर्मी का नया वीडियो बताएं जिससे आपको पता चल के कौन कौन से स्पेशल फोर्स हमारे इंडियन आर्मी में मौजूद है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते वीडियो पे। लेकिन अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए और वहाँ भी आप हमें डीएम कर सकते हैं और आपको कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप इन टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस को जानते हैं जो इंडिया में सबसे अच्छी है? स्पेशल फोर्सेस टेरर के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने और नेशन में इंटरनल पीस बनाए रखने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। स्पेशल फोर्सेस किसी भी टेरर थ्रेट्स का रिस्पॉन्ड देने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लेने में स्पेशलाइज्ड है। इंडिया के स्पेशल फोर्सेस उन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को रेफर करते हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और स्पेशल ऑपरेशंस के कंडक्ट और सपोर्ट के लिए इक्विप्ड है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की 3 ब्रांचेस में अलग अलग स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स होती है जैसे कि द पैरा स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी, मार्कोस एंड द गरुड़ कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो आइए टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस की। मार्कोस एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो 1987 में इंडियन नेवी द्वारा डायरेक्ट एक्शंस, स्पेशल रिकॉनसेंस, एम्फिबियस वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म के लिए रेस किया गया था। मार्कोस की ट्रेनिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड जिसमें कमांडोज बीइंग टेस्टेड फॉर द फिजिकल एंड मेंटल टफनेस। इसके अलावा मार्कोस को दाढ़ी वाला फौज कहा जाता है जिसका मीनिंग है Bearded army by terrorists because of their bearded disguise in civil areas. Next बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्स की। द पैरा स्पेशल फोर्सेज इंडियन आर्मी द्वारा रेस की गई थी 1966 में। पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की हाईली ट्रेन्ड पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और इंडिया की स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैराशूट रेजिमेंट का मेन एम है क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स बिहाइंड एनमी लाइन्स टू अटैक द एनमी फ्रॉम बिहाइंड एंड डिस्ट्रॉय देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडियन आर्मी द्वारा एज अ स्पेशल फोर्स 1962 में रेज की गई थी। इसका पर्पस था टू कोवर्ट ऑपरेशंस बिहाइंड चाइनीज लाइंस इन द इवेंट ऑफ अनदर वॉर विद चाइना। इसके अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अंडर काम करती है। इसके अलावा ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड VIPs को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंटी सबोटाज चेक्स कंडक्ट करता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट थ्रेट्स टू वाइटल इंस्टॉलेशंस ऑफ द कंट्री। सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 70-80% की ड्रॉप आउट रेट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 7500 पर्सनल को द स्पेशल एक्शन ग्रुप और द स्पेशल रेंजर्स ग्रुप के बीच समान रूप से डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स की। द गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो 2004 में रेज की गई थी। गरुड़ बनने की ट्रेनिंग सभी इंडियन स्पेशल फोर्स में सबसे लंबी है। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बिफोर अ ट्रेनी कैन क्वालिफाई एज अ फुली ऑपरेशनल गरुड़ कमांडो इज 3 ईयर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स सर्विसेज की यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है। इसके अलावा इसको एयरफोर्स के बेसिस की प्रोटेक्शन करने का काम सौंपा गया है जो कैलेमिटीज के टाइम आउट रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी करती है और एयर ऑपरेशंस की सपोर्ट के लिए सक्सेसिव मिशंस करती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं घातक फोर्सेस की।
घातक फोर्सेस एक इन्फेंट्री प्लेटून है विच गोज फॉर द किल एंड स्पीयरहेड स्ट्राइक्स अहेड ऑफ अ बटालियन। इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लेटून होता है और कुछ ही जो सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और मोटिवेटेड है वो ही घातक प्लेटून में आते हैं। द घातक सोल्जर्स वेल ट्रेन्ड हैं, सुपीरियरली आर्म्ड एंड इक्विप्ड टू हैंडल सिचुएशंस लाइक टेरर स्ट्राइक्स, हॉस्टेज सिचुएशंस, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। और अब लास्ट में बात करते हैं कोबरा की। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एक स्पेशलाइज यूनिट है CRPF का, जिसका डिवेलप किया गया टू काउंटर नेक्सलिज्म इन इंडिया। ये कुछ इंडियन स्पेशल फोर्सेज में से एक है जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सक्लूसिवली ट्रेन किया गया है। कोबरा ने इंडिया से कई नेक्सलाइट ग्रुप्स को सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में बताया गया हमें टोटल 7 ऐसे स्पेशल फोर्सेज जो कि इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाती है। हमें तो बहुत मजा आया और इस वीडियो की खास बात यह है कि हमने इसमें टाइम स्टैम्प भी डाले हैं 7-7 स्पेशल फोर्स के, जिसके ऊपर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके सीधा उस फोर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये हमने नया इम्प्लीमेंट किया है और अभी आगे के सभी वीडियो में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा, सीधा क्लिक कीजिए और सीधी इन्फॉर्मेशन निकालिए। तो इस वीडियो में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कौन सा नॉलेजेबल पार्ट मिला वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स। आप होप सभी आप पूरा कर दोगे। तो हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।